अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं वेल्स अगेन विद माय ऑल ससुराल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग किट ली है ताकि मैं इसके अंदर अपने शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश वगैरह सब ले लूँ, और सब ले लिया है मैंने। और मैं एक बैग पैक में इसको पैक करूँगी, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर लाजमी आप जो है SPF अपने साथ लेके ट्रैवल करें। सनस्क्रीन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ यहाँ पे जो है स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। पाकिस्तान में मैं इतनी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। कपड़े यहाँ पे रख लिए हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रखते हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं स्नोडोनिया में वहाँ वाटरफॉल्स हैं, कि इन केस के अगर वो गीले हो जाएँ तो आपके पास दूसरा होना चाहिए। ये सारा खाने पीने का सामान रास्ते में मैंने रखा है, और ये स्टारबक्स की कॉफ़ी भी ले ली है। सारी चीज़ें इसको पैक करते हैं जल्दी जल्दी और हम चलते हैं टूर की तरफ। सबसे पहले हमने एक स्टॉप लिया सर्विसेज पे कि हम कुछ कॉफ़ी वगैरह ले सकें। अभी हम सर्विस पे रुके हैं टू गेट द कॉफीज एंड एवरीथिंग। जी जनाब, तो सर्विसेज तो कॉफ़ी वगैरह सब ले ली थी सबने। अब हम चल पड़े हैं दोबारा लिवरपूल की तरफ। पहले हम जा रहे हैं लिवरपूल क्योंकि हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है दैट्स इन द लिवरपूल, और वहाँ से फिर हम दोबारा वेल्स की तरफ जाएंगे आगे। तो एक दिन का स्टे था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो हमें लाजमी कहीं स्टे करना था। और ये ऑन टाइम था बहुत ज़्यादा, तो हमें जो है बहुत मुश्किल से एक ही ये समझे गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट मिला था, वो भी लिवरपूल में, क्योंकि वेल्स की तरफ सारे बुक हुए हुए थे बिकॉज इट वॉज़ अ बैंक हॉलीडे ओवर है, तो बहुत मुश्किल था। फाइनली दोबारा हम एक और स्टेशन पर रुके हैं सर्विस स्टेशन पे, क्योंकि मुझे बहुत शिद्दत की भूख लग रही थी, तो जल्दी से मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, कॉफ़ी ली एंड अगेन हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। देन हम आ चुके हैं और ये है हमारा घर जो हमने लिया है। इट्स इन लिवरपूल। ये एक बेडरूम है, ये किचन है हमारा, देयर आर क्रोसेंट्स, कॉफी मशीन। अभी हम चलेंगे ऊपर। आजा 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 आजा। कैंडीज लगी है। हाँ, सारे रूम में। दिस इज आवर बेडरूम, बेडरूम नंबर टू, इतना कोई प्यारा व्यू था यहाँ से, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिजॉर्ट मिल जाएगा, और बहुत ही प्यारा था, बहुत मज़ा आया। इट वॉज अराउंड 5-bedroom हाउस, तो जल्दी जल्दी सबने जो पहले पहले पहुँचे, सबसे पहले हम पहुँचे थे, तो हमने जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रूम सेलेक्ट कर लिए अपने लिए। जी आ जाए। बर्गर तुम वहाँ बना रहे हो? जी किचन में ना। हाँ जी, तो इस वक्त हम बनाने लगे हैं जिंगर बर्गर्स। मैंने कहा कि जल्दी से मैं इसको असेंबल कर लूँ, मैं चिकन बना के लाई थी यहाँ पे, बस आपने इसकी असेंबलिंग करनी है, और ये मैंने रख दिया ताकि हम बंस को थोड़ा सेक लें। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है,
Now, would you like to eat the burgers? Yeah. You want to eat it? Huh. Or do you want frozen, Mama the bus? Yeah. Frozen, can I? Tumhe candy ki wo kaun pe? Candy dekho mere room mein hogi upar. Jao. The room kaun pe? Upar wala. Second wala. Dekho Asim chachu honge wahan. Sara bahut upar wala. Bahut upar wala. अच्छा यहाँ पे सारी कटलरी भी है और ये डिश वॉशर है तो जल्दी से अपने बर्गर्स बनाते हैं अब हम अच्छा ये इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ है इसमें आपकी ऑरेंज जूस है मिल्क है और यहाँ उन्होंने आइस टी भी है और वहाँ जो है कार पार्क है ये गार्डन है छोटा सा बहुत क्यूट सा ताकि उनकी हल्की सी चीज़ मेल्ट हो जाए और जो है यहाँ से हम ले लेते हैं ग्लासेस कि हम कोक वगैरह ले सकें तो वी कैन गेट दैट लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जाएगा मुझे लगता है तो इन्हीं में ही गुजारा कर लेते हैं हम अभी ठीक है और यहाँ से हम लेते हैं आइस यहाँ इन्होंने दिए मैंने सारे ग्लासेस अच्छा जी ये हमारा रूम जो हमने लिया है ये सबसे टॉप फ्लोर पे है और यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आयन है हेयर ड्रायर है लैम्प है फिर आपको हैंगर्स मिलते हैं कपड़े हैंग करने के लिए बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा रूम है और इसके साथ जो है अटैच बाथ है देख सकते हैं आप और बहुत ही खूबसूरत सा इसका व्यू है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा जी इस वक्त हम चले हैं थोड़ा सा लिवरपूल हाई स्ट्रीट घूमने के लिए तो ये हाई स्ट्रीट की हमें थोड़ा सा खाने का सामान लेना था फॉर डिनर कि मुझे हमें कुछ हलाल चीज़ें मिल रही हैं और सिर्फ हमें पिज्ज़ा मिला है हाँ चलो ले लो अस्सलाम वालेकुम हाईवे पे हमारी गाड़ी M42 है लेकिन M6 पे हाँ ये जा रही है M42 वो पीछे सोलीहुल है बर्मिंघम और M6 पे है हमारी गाड़ी हो गई ख़राब और हम मज़े कर रहे हैं यहाँ पे ये देखो आ हा 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 वेलकम टू लंदन चलो भाई मेरे को फिर येलो दे दी चलो टिप्पी की जरूरत तो नहीं है
charge. We will do it very evenly. Charge? क्या चाहिए विशाल भाई? मुझे staff चाहिए रोशनी का. Staff रोशनी का. ये हमारी मिस्ट अप हुई हुई बूट उसमें से निकालने हैं मुझे शूज ये निकालते हैं ये सब की कार पार्क यहीं हुई हुई है तो हम लैंडनो पहुंच गए थे ये उसके ऊपर का एरिया है ठीक है जहां हमने ये व्यू देखने के लिए थे एंड इट वाज सो प्रिटी मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खूबसूरत था आपको वीडियो में देख के पता चल रहा होगा यहां की आने की एंट्रेंस वाज अराउंड 4 पाउंड जो आप पे करके यहां का सारा व्यू देख सकते हैं और देन अगेन जब हम स्नोडोनिया की तरफ जा रहे थे तो यहां हमने आइसक्रीम और कॉफी दोबारा बच्चों के लिए ली So pretty. They came on that. I see some rock skipping. Yeah, but how do you do it? No, you do it like this, I'll show you. You need the flat one, really flat one. Yeah. Let's go.